देखो यार, अगर तुम लोग केनी ओमेगा के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि AEW में ओमेगा के रिटर्न प्लान को लेकर बैकस्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। AEW में रे फिनिक्स के करंट सिचुएशन को लेकर AEW से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। AEW के वर्ल्ड एंड पेपरव्यू को लेकर AEW के टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए। तो गाइज, वहीं AEW के 2025 में स्मॉल अरीना रन करने को लेकर AEW का स्ट्रेटजिक मूव सामने आ चुका है। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे वन एंड ओनली केनी ओमेगा की। वेल गाइज, बात करें अगर यहां पर केनी ओमेगा की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, केनी ओमेगा यहां पर काफी लंबे टाइम से AEW के ऊपर हमें देखने को नहीं मिले गए, और केनी ओमेगा की डाइवर्कल्टीज इंजरी की वजह से वो काफी महीनों से AEW से गायब चल रहे गए। और वैसे तो केनी ओमेगा की इंजरी अब यहां पर लगभग ठीक हो चुकी है, और अगले महीने NJPW के बिगेस्ट पेपरव्यू NJPW रसल डायनेस्टी के ऊपर केनी ओमेगा टोक्यो डोम के अंदर उनका रिटर्न करने वाले गए, और वो यहां पर गिब किड को फेस करेंगे। बट बात करें अगर यहां पर केनी ओमेगा के AEW करियर की, तो गाइज इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर फाइटफुल सेलेक्ट ने ये कंफर्म कर दिया है कि फिलहाल यहां पर AEW के अंदर दूर दूर तक केनी ओमेगा के रिटर्न को लेकर कोई भी डेट फिक्स नहीं किया गया है, और फिलहाल यहां पर AEW ने ये डिसाइड नहीं किया है कि केनी ओमेगा एग्जैक्टली AEW के ऊपर रिटर्न कब करेंगे। बट गाइज यहां पर AEW ने ये डिसाइड कर लिया है कि केनी ओमेगा के रिटर्न होने के बाद उनका कौन सा मेजर फ्यूड होने वाला है। गाइज यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट का ये दावा करना है कि ओमेगा के AEW पर रिटर्न होने के बाद केनी ओमेगा उनके करियर की सबसे फेमस राइवलरी ओकाडा वर्सेज ओमेगा रिविजिट करने वाले गए, और NJPW में ओकाडा और ओमेगा की हिस्टोरिक राइवलरी के बाद AEW कंपनी फाइनली यहां पर केनी ओमेगा और ओकाडा की स्टोरी लाइन को रन करने वाले गए। और क्योंकि ओकाडा के AEW डेब्यू के बाद ओकाडा को भी AEW के अंदर कोई मेजर फ्यूड नहीं मिला है, तो इसीलिए 2025 के अंदर AEW कंपनी ओकाडा और ओमेगा दोनों को पहली बार आमने सामने लाने वाले गए, और AEW के अंदर केनी ओमेगा के रिटर्न होने के बाद कंपनी यहां पर ओकाडा और ओमेगा के एक मेजर फ्यूड को बिल्ड करने वाले गए। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि AEW के अंदर ओकाडा और ओमेगा के इस फ्यूड को कब बिल्ड किया जाता है, और एग्जैक्टली यहां पर ये बड़ा मैच AEW किस शो के ऊपर करती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW सुपरस्टार डैन ओसेन की। गाइज यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहां पर CM Punk AEW कंपनी से फायर्ड हुए हैं, तब से ही डैन ओसेन भी AEW के टेलीविजन पर हमें देखने को नहीं मिले गए, और डैन ओसेन के AEW कॉन्ट्रैक्ट में होने के बाद भी और डैन ओसेन के मेडिकली क्लियर होने के बाद भी कंपनी यहां पर डैन ओसेन को शो पर बुक नहीं कर रही गए। वाली इस हफ्ते डैन ओसेन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर डैन ओसेन ने AEW कंपनी में उनके करंट सिचुएशन को लेकर बात की, जहां पर डैन ओसेन से जब ये पूछा गया कि वो AEW के ऊपर उनका रिटर्न कब तक कर सकते हैं, तो डैन ओसेन जवाब देकर ये कहते गए कि उन्हें यहां पर बिल्कुल भी आइडिया नहीं गए कि AEW के अंदर वो यहां पर उनका रिटर्न कब करेंगे, क्योंकि डैन ओसेन करेंटली यहां पर मेडिकली पूरी तरह से क्लियर है। बट डैन ओसेन को ना तो मैनेजमेंट की तरफ से ना ही AEW के किसी रेसलर की तरफ से कंपनी पर रिटर्न करने के लिए अप्रोच किया गया है, और वैसे तो अब भी वो AEW कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, बट फिर भी यहां पर काफी महीनों से AEW की तरफ से डैन ओसेन को किसी तरह का कोई भी कॉन्टेक्ट किया नहीं गया है, और जब तक यहां पर मैनेजमेंट डैन ओसेन को नहीं बुलाती गए तब तक यहां पर डैन ओसेन कुछ भी नहीं कर सकते गए। और डैन ओसेन का यह कहना है कि उन्हें भी यहां पर सच में यह नहीं पता है कि AEW कंपनी उन्हें यूज क्यों नहीं कर रही गए, बट एट द एंड ऑफ द डे AEW कंपनी अब भी डैन ओसेन को सैलरी दे रही गए, और इसीलिए वो यहां पर AEW को लेकर किसी तरह की कोई भी फालतू बातें करना नहीं चाहेंगे। वाला आपको क्या लगता है, AEW को डैन ओसेन को टीवी पर वापस लाना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही वापस आने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पेंटागन जूनियर के AEW कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद पेंटागन जूनियर तो फ्री एजेंट बन चुके हैं, बट पेंटागन जूनियर के ब्रदर रे फिनिक्स अब भी यहां पर AEW के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, और रे फिनिक्स के AEW कॉन्ट्रैक्ट को कंपनी ने करीबन 10 महीने से ज्यादा टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया है, और रे फिनिक्स के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सटेंड होने के बाद अब AEW कंपनी रे फिनिक्स को यूज भी नहीं कर रहे गए, और इसी रीजन की वजह से कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया के ऊपर रे फिनिक्स ने AEW को लेकर काफी सारे उल्टे सीधे ट्वीट किए, जिन ट्वीट के अंदर रे फिनिक्स ने AEW के ऊपर काफी सारे बड़े आरोप लगाए, और सोशल मीडिया पर रे फिनिक्स के एंटी AEW ट्वीट करने के बाद WWE के फैंस ने जहां रे फिनिक्स को दबाकर सपोर्ट किया, वहीं AEW के फैन बॉयज के द्वारा रे फिनिक्स को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, और रे फिनिक्स और AEW के इस पूरे कॉन्ट्रोवर्सी के बाद अभी सप्ते यहां पर रे फिनिक्स ने सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी एंटी AEW ट्वीट
ट्वीट किए थे उन सभी ट्वीट को डिलीट कर दिया है। और वैसे तो अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि रे फिनिक्स ने ये ट्वीट उनकी खुद की मर्जी से डिलीट किया है या मैनेजमेंट के डांट लगाने के बाद रे फिनिक्स ने ट्वीट को डिलीट किया है। बट गाइज अब यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर रे फिनिक्स की तरफ से कोई भी एंटी AEW ट्वीट नहीं गए। और गाइज देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि सोशल मीडिया पर आकर रे फिनिक्स ने AEW के खिलाफ ये जो भड़ास निकाली गए इसका यहाँ पर रे फिनिक्स के करियर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के अपकमिंग पेपर व्यू AEW वर्ल्ड एंड की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर AEW वर्ल्ड एंड की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है अब से यहाँ पर मात्र 15 से 20 दिनों के अंदर AEW का वर्ल्ड एंड पेपर व्यू होने वाला है। और वैसे तो इस पेपर व्यू को लेकर AEW की ओरिजिनल कैपेसिटी करीबन 4500 के बराबर थी। बट AEW के 4500 टिकट को सोल्ड आउट करने के बाद अब AEW कंपनी ने ऑरलैंडो फ्लोरिडा के अंदर AEW के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू की कैपेसिटी को रेज कर दिया है। और अब यहाँ पर AEW की वर्ल्ड एंड की ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने करीबन 5619 के बराबर रखी गए जहां पर 5619 टिकट में से AEW ने 4910 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहां पर AEW के वर्ल्ड एंड के ऊपर AEW कंपनी को करीबन 700 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए जो कि मेरे हिसाब से AEW आराम से करने वाले गए। और यह देखना दिलचस्प होगा कि 5600 टिकट के सोल्ड आउट होने के बाद क्या यहां पर कंपनी कैपेसिटी क्राउड को और ज्यादा रेज करती है या नहीं, क्योंकि गाइज अब भी यहां पर AEW चाहे तो इस अरीना के अंदर 2-3 हजार कैपेसिटी रेज कर सकती गए। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि AEW के वर्ल्ड एंड की फाइनल कैपेसिटी और अटेंडेंस कितनी होती गए। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के अरीनाज की तो गाइज अगर आप लोग इलीट मिनिया को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आपको ये पता होगा, मैंने आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूं कि 2025 में AEW कंपनी उनके वीकली शो के अरीनाज को लेकर एक मेजर चेंज कर रही गए। गाइज यहां पर करंटली AEW जिन अरीनाज के अंदर उनके शो को करती गए उन अरीनाज की नॉर्मल कैपेसिटी 10,000 से 15,000 के बीच में होती गए। और इन बड़े अरीनाज में AEW के शो के ऊपर जब मुश्किल से 2,500 से 3,000 लोग आते गए तो लगभग यहां पर 70% अरीना खाली होता है जिसकी वजह से AEW का शो टीवी पर देखने में काफी बेकार लगता है। और जो लोग अरीना के अंदर भी आते गए वो लोग भी यहां पर आधे से ज्यादा अरीना को खाली देखकर काफी एंबैरस हो जाते गए। और यही इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए AEW कंपनी 2025 के अंदर उनके अरीनाज को लेकर मेजर चेंज कर रहे गए जहां पर AEW कंपनी 2025 के अंदर उनके सोच को यहां पर बड़ी अरीना की जगह छोटे अरीना के अंदर मूव कर रहे गए। और जहां करंटली AEW के शो नॉर्मली 10,000 से 15,000 कैपेसिटी वाले अरीना के अंदर होते गए वहीं 2025 में AEW के शो लगभग यहां पर 4,000 से 6,000 कैपेसिटी वाले अरीना के अंदर होने वाले गए जिसके अंदर AEW के शो के ऊपर अगर 3,000 लोग भी आते गए तब भी यहां पर अरीना पूरी तरह से फुल लगेगा। बट गाइज अब यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि AEW कंपनी ने वैसे तो फिलहाल के लिए स्मॉल अरीना प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया है और 2025 के अर्ली के अंदर AEW ने काफी सारे स्मॉल अरीनाज को बुक भी कर दिया है। बट गाइस यहां पर AEW का ये प्लान लॉन्ग टर्म में जाएगा या नहीं ये कहना काफी मुश्किल है क्योंकि AEW कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर यहां पर स्मॉल अरीना में शो को रन करना नहीं चाहती गए क्योंकि स्मॉल अरीना के अंदर वो सारी फैसिलिटी AEW को नहीं मिलेगी जो बड़े अरीना के अंदर AEW कंपनी को मिलती गए। और गाइस यहां पर AEW के बड़े अरीनाज के अंदर शो को रन करने का मेन रीजन यही गए कि बड़े अरीनाज के अंदर AEW को बेहतरीन फैसिलिटी मिलती गए जो छोटे अरीना के अंदर AEW कंपनी को नहीं मिलेगी। बट फिर भी यहां पर AEW कंपनी इंटरनेट पर लगातार क्रिटिसिज्म को देखने के बाद फाइनली यहां पर छोटे अरीनाज के अंदर शो को मूव कर रही गए। और अगर यहां पर 2 से 3 महीनों के अंदर AEW के स्मॉल अरीना शो को पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तब तो AEW कंपनी इस चीज को कंटिन्यू करेगी। बट अगर यहां पर इसके बाद भी सोशल मीडिया के ऊपर AEW को शो को लेकर नेगेटिव बातें होती गए तो AEW एक बार फिर से पॉसिबली बड़े अरीना के अंदर मूव करने वाली गए। वाल आपको क्या लगता है AEW के उनके शो को स्मॉल अरीना में परमानेंट मूव करना चाहिए या फिर बड़े अरीना में दोबारा शिफ्ट करना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।